दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IRCTC का नया अकाउंट कैसे बनाएं। दोस्तों ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपको पहले IRCTC में अकाउंट नया बनाना पड़ता है, इसके बाद ही आप ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि IRCTC का अकाउंट कैसे बनाएं। तो अगर आपके पास दोस्तों IRCTC रेल कनेक्ट करके एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम IRCTC रेल कनेक्ट इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन ओपन हो पाएगा तो यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास ये एप्लीकेशन खुल गया। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस IRCTC रेल कनेक्ट का एप्लीकेशन का खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है माई अकाउंट, तो हमको इस पर क्लिक करना है। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पर जिन्होंने पहले से यहाँ पर अकाउंट बना रखा है IRCTC में वो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉग इन कर पाएंगे। जैसा कि हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना है IRCTC में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रजिस्टर यूजर, तो हमको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल देनी है, जैसा कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम पासवर्ड आपको बनाना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो हम यहाँ पर सारी डिटेल भर देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देता हूँ, आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप एक अकाउंट में सिर्फ एक ही यूज कर पाएंगे। आप दो IRCTC में एक ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम डाल देता हूँ, यूजर नेम आपको कुछ इस टाइप का बनाना है। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और अल्फ़ाबेट और नंबर्स का इस्तेमाल करना है। आपको कुछ इस टाइप का पासवर्ड बनाना है। इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड बनाना है। आपने जो पासवर्ड यहाँ पे ऊपर डाला आपको वही यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड सेम आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे आँख पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना यहाँ पे पासवर्ड। तो इसके बाद यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, इसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम डाल सकते हैं, नहीं तो आपको लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। इसके बाद मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और डेट यहाँ पे ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी डालनी है, जैसे कि इंडिया। इसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रखना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलना है। बाय चांस अगर आप यूजर नेम पासवर्ड अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप यहाँ पर रिकवर कर पाएंगे। तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना, आप क्या हैं, गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोफेशनल, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद आपको मार्टियल स्टेटस डालनी है, मैरिड है, अनमेरिड, तो मैं यहाँ पे मैरिड कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर, यहाँ पे एरो दिखा रहा, तो मैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेल या फीमेल आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फीमेल। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन की और भी डिटेल आपको डालनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस, स्ट्रीट और एरिया ऑप्शनल है, यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री, पिन कोड, सेलेक्ट सिटी, स्टेट, तो हम यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देते हैं एक एक करके। तो हम यहाँ पे अपना रेसिडेंट एड्रेस डाल देता हूँ,
इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट आप देख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी कोई स्ट्रीट है तो आप डाल सकते हैं। एरिया भी यहाँ पे ऑप्शनल है तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे इंडिया। इसके बाद मैं यहाँ पे पिन कोड अपना डाल देता हूँ। इसके बाद हमको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। अगर आपका ऊपर यहाँ पे कॉपी रेसिडेंट एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप इस पर टिक कर दें, नहीं तो रहने दें। अगर आपका अलग अलग एड्रेस है तो रहने दें, अगर आपका दोनों सेम ही है तो इस पर टिक कर दें। तो जैसा कि मेरा यहाँ पे सेम ही है तो मैं इस पर टिक कर दिया, और उसको नीचे आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ऐड को यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंग्रेचुलेसन, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे यूज़र आईडी है सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के इसके बाद मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाऊंगा। जो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे बनाया था तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना यूज़र नेम। इसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने पासवर्ड यहाँ पे बनाया था। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको इंटर द कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है, तो मैं यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूँ। और नीचे आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा बता रहा है तो हमको यहाँ पे फिर से कैप्चा एक बार डालना है। और मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई यूजर यहाँ पे हो रहा है। जैसा कि मेरा यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पे आपके एक ओटीपी आएगा, तो आपको यहाँ पे ओटीपी डालना पड़ेगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं है तो आप यहाँ पे सेंड ओटीपी फिर से आप कर सकते हैं। तो आपके जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा तो आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है, तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आया होगा, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एक बार चेक कर लेनी है और आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देना। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आया तो मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद नीचे आपको वेरीफाई यूजर पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई यूजर पे क्लिक करने के बाद ओटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से अपना पासवर्ड डालना है जो आपने पासवर्ड बनाया था। और यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 4 डिजिट का यहाँ पे पिन बनाना है, तो मैं यहाँ पे अपना 4 डिजिट का पिन बना लेता हूँ और यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप कुछ एरो दिख क्या रहा, प्लीज़ रिमेंबर ए कीप योर पिन इन सेफ प्लेस ऑफ फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको बता रहा है जैसे कि पिन है, आप यहाँ पे अपना याद करके रखिए यहाँ पे फ्यूचर के लिए, तो हम इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आपके सामने IRCTC रेल कनेक्ट का एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। अब आप इजीली यहाँ से ट्रेन की टिकट बुकिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो, अगर मन में कुछ शंका रह गई हो, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।